तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.2 लेक्चर नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने सामने देख रहे होंगे लिखा हुआ, तो पहले पढ़ लेते हैं ध्यान से सवाल को। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर बात की गई है एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल को बना लिया है। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को क्या लिखा हुआ है। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। तो जो आप राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं ये इसका एल्टीट्यूड है और ये इसका बेस है, तो एल्टीट्यूड हमें पहले से ही दे रखा है 7 सेंटीमीटर है, सॉरी वो 7 सेंटीमीटर नहीं है, आगे लिखा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड जो है ना बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम बेस को एक्स मान लेंगे तो एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी कि वो होगा एक्स माइनस 7। फिर से समझने की कोशिश करिए, एल्टीट्यूड जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल का वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर बेस एक्स हुआ तो एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी कि एक्स माइनस 7। और मान लो कि ज़्यादा बोलता कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते, प्लस कर देते। तो हमने बेस को एक्स मान लिया तो एल्टीट्यूड हो गया उससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि एक्स माइनस 7। तो इन चीज़ों को यहाँ पे लिख देते हैं। तो एल्टीट्यूड और बेस का पता चलने के बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, इसका जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर का है। फाइंड द अदर टू साइड, अदर टू साइड मतलब ये दोनों साइड का हमें पता लगाना है। तो देखिए ये एक राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अंदर इजीली पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पता लगा लेंगे कि ये जो एक्स के वैल्यूज़ हैं ये क्या है। एक्स की वैल्यू आते ही हमें एल्टीट्यूड का और बेस का दोनों का पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि ए बी सी, और इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो ये जो जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं इसी को एल्टीट्यूड भी कहा जाता है, तो आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, इसको एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की जाएंगी। ए सी की जगह आ जाएगा 13 और उसका स्क्वायर, बी सी की जगह आ जाएगा एक्स माइनस 7 और उसका स्क्वायर, ए बी की जगह क्या आ जाएगा एक्स और उसका स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और b, a जो है वो x है और b क्या है 7 है, और सबसे आखिर में क्या लगेगा एक्स स्क्वायर। ये एज इट इज़ लिख दिया है। फिर से देखिए 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी और एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रख दिया है। अब 169 ऐसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 7 जा 14x। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे ना, 49 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। तो 49 इधर माइनस हो जाएगा इसमें से, तो इधर आ जाएगा 120, 2x स्क्वायर बचेगा और साथ में बचेगा 14x। अब ये जितना भी लेफ्ट में दिखाई दे रहा है सबको राइट में ले जाकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर देते हैं, या फिर ये जो 120 है इसको उधर लेफ्ट में ले जाकर यहाँ पर जीरो रह जाएगी, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगले पेज पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर चलते हैं। तो पिछले पेज से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, तो 120 को जब उधर ले जाएंगे राइट साइड में तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 आ जाएगा। इसके बाद इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक काम किया जा सकता है, आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ से इजीली 2 कॉमन आ सकता है, तो अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी इक्वेशन थोड़ी सी आसान बन जाएगी, और अगर आप इसको कॉमन नहीं लेते तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल पड़ेगी सवाल को करने में। 2 कॉमन ले लिया, कॉमन निकालने के बाद 2 चला जाएगा डिवाइड में, ज़ीरो के नीचे जाके वो ज़ीरो बन जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ ये रह जाएगा।
फिर से समझो, ये जो 2 है ना, ये 0 के नीचे जाके 0 बन जाएगा। तो हमारे पास ये एक अच्छी खासी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 60 दिखाई देता है ना, 60 के फैक्टर करेंगे ऐसे के 7 आ जाए। सोचिए ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, आप में से कईयों ने सही सोच लिया होगा। 12 5 या 60, 12 माइनस 5 जो है वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया जाएगा और हम लगा रहे हैं यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जो हम 9th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। तो 7x की जगह हमने लिख दिया 12x माइनस 5x। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इस सवाल को दो हाफ में बांट दिया जाएगा, ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकेंड हाफ है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x अंदर बचेगा x माइनस 12। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 5 अंदर बचेगा x माइनस 12। और आपको ये पता होगा पिछले लेक्चर से कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम होना ज़रूरी हैं। अब पूरे में से x माइनस 12 को कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ पर बचेगा x और वहाँ पर बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको एक एक करके 0 के इक्वल पुट किया जाएगा। दोनों 0 के इक्वल हैं तो एक एक करके 0 के इक्वल रखते हैं। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस का 12। तो x की वैल्यू माइनस 5 पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आप उसे समझ लीजिए ज़रा। x जो था ना वो बेस था, तो बेस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, बेस की लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल। और x की वैल्यू हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, 12 लेनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि माइनस 5 पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, 12 वाली वैल्यू ले रहे हैं। अब x की वैल्यू हमें मिलते ही आसानी से बेस का पता चल जाएगा, बेस 12 हो जाएगा। और 12 को जब यहाँ पे रखेंगे तो 12 माइनस 7 5, एल्टीट्यूड जो है, जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 12 यहाँ पे रखने से 12 में से 7 जाके 5 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सो बेस जो है, बेस को हमने x माना हुआ है और x की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है x माइनस 7 और x की वैल्यू है 12 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, 5। तो ट्राइंगल की बाकी बची हुई दोनों साइडें भी हमने इजीली निकाल दी है। एक बार फिर से पूरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सवाल इस तरह से था कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने बेस को x मान लिया, एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर कम हो गया, यानी कि x माइनस 7। हाइपोटेनियस हमें दे रखा था 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें इन दोनों साइडों का पता लगाना था। तो हमने देखा कि ये एक राइट ट्राइंगल है और ईजिली इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। तो वही हमने किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, सॉल्व करते हुए चले गए और अगले पेज पर जाकर एक अच्छी खासी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर हमने देखा कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको ज़रूर कॉमन निकालेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कॉमन निकालने के बाद 2 को 0 में भेज दिया, ये बचा। इसके बचने के बाद ये जो 7x है इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया, ये तुम्हें आता ही अच्छी तरह से, यहाँ पहुँच गए। फिर दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रखा, फिर देखा ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, ये वाली हो सकती है, इसको ले लिया और इसको लेकर इजीली बेस और एल्टीट्यूड का पता लगा लिया। उम्मीद है कि आप इस अच्छे सवाल को समझ गए होंगे। अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। चलिए घर, अब आप अपने सामने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल को पढ़ लेते हैं ध्यान से। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो किसी पर्टिकुलर दिन में सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल बनाती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो छोटे से मतलब घर में लगा सकते हैं, जिसको जैसे कि बिस्किट बनाने की इंडस्ट्री लगा ली घर में, या फिर फुटबॉल बनाने की इंडस्ट्री लगा ली, या बैट बनाने की इंडस्ट्री, जो घर में छोटे लेवल पर इंडस्ट्री लगाई जाती हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। तो वो कॉटेज इंडस्ट्री कुछ आर्टिकल बनाती है, सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको।
दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे सॉरी ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट लाइन. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. ये लाइन समझनी इम्पोर्टेंट है, इसके बाद पूरा सवाल समझ में आ जाएगा. तो इसको समझने के लिए ना रफ में कुछ कर लेते हैं. तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और यहाँ से मैंने लिया है कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. हर आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मतलब उसको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. मान लो कि उस दिन फैक्ट्री में 10 आर्टिकल बने थे तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. उस दिन जितने भी आर्टिकल बने थे उसके दुगने से 3 ज़्यादा आएगी. 3 मोर, देखिए 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे. ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, जितने आर्टिकल उस दिन बने थे उसके ट्वाइस से 3 मोर, एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी 23. 2 की 10 में करोगे 20 और 3. ये एक एग्जांपल है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. एक बार फिर से देखिए, मान लीजिए उस दिन 100 आर्टिकल बने थे फैक्ट्री के अंदर तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी? जितने उस दिन आर्टिकल बने थे उसके दुगने से 3 ज़्यादा, तो एक आर्टिकल हो जाएगा 203 रुपये का. उम्मीद है कि अब समझ गए हूँ. तो हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो किस बात पर डिपेंड करेगी कि उस दिन कितने आर्टिकल बने थे. तो अगर हम ये मान लें कि उस दिन X आर्टिकल बने थे तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आएगी उसके दुगने से 3 ज़्यादा. समझ गए? तो हर आर्टिकल की कॉस्ट डिपेंड करती है किस बात पे कि उस दिन फैक्ट्री में कितने आर्टिकल बने थे. तो फैक्ट्री में उस दिन जितने भी आर्टिकल बने होंगे उसके दुगने से 3 रुपये ज़्यादा एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी. तो एक आर्टिकल की कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? जितने आर्टिकल उस दिन फैक्ट्री में बने थे. तो हम मान लेते हैं कि उस दिन फैक्ट्री में कितने आर्टिकल बने थे? X. तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? X के दुगने से 3 ज़्यादा. अब इस चीज़ को वहाँ पे लिखते हैं. तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी X. मान लेते हैं कि उस दिन कितने आर्टिकल बने थे? X बने थे. अब हर आर्टिकल की कॉस्ट देखिए कैसे आएगी. देयरफोर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कैसे आएगी? जितने उस दिन आर्टिकल बने थे उसके दुगने से 3 ज़्यादा होगी. इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. उस दिन जितने भी आर्टिकल बने होंगे उसके दुगने से 3 ज़्यादा होगी. तो उस दिन X आर्टिकल बने थे तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आएगी उसके दुगने से 3 ज़्यादा. उम्मीद है कि अब बात समझ में आ गई होगी. लेकिन इस सवाल को समझने का प्रोसीजर अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ. अब आगे देखो क्या लिखा है. इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उस दिन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आई है वो ₹90 आई है. इसको समझने की कोशिश करिए, ये ₹90 क्या चीज़ है? उस दिन जितने भी आर्टिकल बने थे सबकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. अब इसको भी रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लो कि उस दिन 10 आर्टिकल बने थे तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आएगी 10 के दुगने से 3 ज़्यादा, यानी कि ₹23. लेकिन उस दिन की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी मतलब कि उस दिन बनने वाले सारे आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी? तो एक आर्टिकल ₹23 का है और आर्टिकल बने 10, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी जो एक आर्टिकल की कीमत है उसमें जितने आर्टिकल है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹230 आ जाएगी. फिलहाल हमारे सवाल में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है. तो मैंने आपको समझाया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, जब आप एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है उसकी मल्टीप्लाई जितने आर्टिकल उस दिन बने हैं उसमें कर देंगे. जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उस पूरे दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी.
तो अभी हम अपने सवाल में यही काम करने जा रहे हैं, हम इसकी और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक आर्टिकल की कीमत है और ये है उस दिन कितने आर्टिकल बने थे। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे दिन जितने भी आर्टिकल बने हैं सबकी कॉस्ट आ जाएगी। तो लिखता हूँ स्टेटमेंट, तो मैंने लिख दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये है ना यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, तो ये और जोड़ देता हूँ ऑन दैट डे। तो वैसे तो हमें पता है कि उस दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 90 है, लेकिन हमने अभी देखा कि वो निकलेगी कैसे। जितनी एक आर्टिकल की कीमत है उसमें जितने आर्टिकल उस दिन बने हैं उन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 में मल्टीप्लाई कर दी जाएगी x की। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाली है और ये क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी है। अब यहाँ से हमारी इक्वेशन आगे तैयार होगी। यहाँ तक का मेन सवाल होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमें ये बताया गया था कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट आएगी उस दिन जितने भी आर्टिकल बने होंगे उसके दुगने से 3 ज़्यादा होगी। तो हमने माना उस दिन x आर्टिकल बने होंगे, इसके बेस पर एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई। अब उस पूरे दिन जितने भी आर्टिकल बने उनकी कीमत निकालने के लिए इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, वही हमने कर दिया। लेकिन उस पूरे दिन की टोटल कॉस्ट हमें पहले से ही दी हुई थी, तो हमने इसको उसके इक्वल रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करके इजीली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 90 ऐसे ही रहेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x² + 3x, उसके बाद 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ रह जाएगी 0, तो 2x² + 3x - 90। देखो जिधर एक्स स्क्वायर होता है ना प्लस का, उधर ही सब कुछ ले जाना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन तैयार हो चुकी है, इसको सही तरीके से लिख के सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। तो इक्वेशन को मैंने लिख दिया है अगले पेज पर। पहले हम ये देखेंगे इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 180, 180 आ गया। अब 180 के ऐसे फैक्टर कर दो कि 3 आ जाए, सोचो फिर से। चलो तुम सोच लेना, मैं बता देता हूँ। 15 1 = 15, 3 = 15, 2 = 30। 15 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, 2x² + 3x की जगह आ जाएगा 15x - 12x, सबसे आखिर में है माइनस का 90 = 0। फर्स्ट हाफ में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x अंदर रह जाएगा 2x + 15। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 6 2 = 12x, 6 1 = 6, 3 = 6, 5 = 30, और बाहर माइनस था ना तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज। देखो बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाते समय और ब्रैकेट हटाते समय दोनों केस में साइन चेंज हो जाता है। ये दोनों एक जैसे हैं, इससे पता चलता है कि हमारा सवाल बिल्कुल सही चल रहा है। इन दोनों को कॉमन निकाल लो पूरे में से, 2x + 15, यहाँ पर बचेगा x और वहाँ पर बचेगा 6 = 0। अब एक एक करके 0 के इक्वल रखो, तो 2x + 15 को इक्वल टू 0 रखेंगे और x - 6 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे। 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 2 जो है वो चला जाएगा डिवाइड में, माइनस का 15/2 आ जाएगा। यहाँ पर 6 उधर चला जाएगा, उधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो x की ये वैल्यू नेगेटिव है और वो वाली वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये देखते हैं, तो हमें ये देखना कि इनमें से कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी कौन सी नहीं होगी। उसके लिए सोचो कि x था क्या, तो x ये था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जितने आर्टिकल बने। तो उस दिन जितने भी आर्टिकल बने होंगे क्या वो नेगेटिव हो सकते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि उस दिन माइनस का 15/2 आर्टिकल बने थे? नहीं सुना, तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। तो हमें x की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, दूसरे वाली। तो लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया कि x = -15/2 इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर टेकिंग x = 6। अब x की वैल्यू आते ही हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमसे क्या पूछा गया था सवाल में, हमसे पूछा गया था फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे एक तो वो पता लगाओ और हर आर्टिकल की कॉस्ट पता लगाओ। तो ये तो पता लग गया x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। तो उस दिन 6 आर्टिकल बने थे और एक आर्टिकल की कॉस्ट यहाँ पे जब x की वैल्यू रखेंगे तो उससे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
तो ये मैंने लिख दिया है कि उस दिन जो आर्टिकल बने थे वो 6 बने थे। अब लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी। तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 2x+3, 2x+3। तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह 6+3, 2 6 12+3, तो कितना आ जाएगा 15। तो एक आर्टिकल जो था ना 15 रुपये का था। अब एक चीज़ देखो, अगर तुम 15 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। और 90 तो हमें दे रखा था यहाँ पे कि उस दिन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 आएगी। तो इस तरह से हमारा पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल का जो मेन पार्ट होता है ना, वो यहाँ तक होता है, ये इक्वेशन बनाने तक, ठीक है। तो हमें ये बताया गया था यहाँ की लाइनों में कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, उस दिन जितने आर्टिकल बने थे। तो उस दिन जितने भी आर्टिकल बने होंगे उसके दुगने से 3 ज़्यादा एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी। तो हमने माना कि उस दिन आर्टिकल बनेंगे x, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, उस दिन जितने भी बने हैं उसके दुगने से 3 ज़्यादा। फिर हमें ये दे रखा था कि सारे जो आर्टिकल उस दिन बने हैं उनकी कॉस्ट 90 है। फिर हमने देखा यहाँ पर रफ़ में करके कि अगर उस दिन जो आर्टिकल बने थे उनकी एक आर्टिकल की कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट उस दिन की पता चल जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। बस फिर आगे इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली और जो हमें चाहिए था वो ईजिली आ गया। ऐसा एक एग्ज़ाम्पल भी आपकी बुक में दे रखा है, उस एग्ज़ाम्पल को अब आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, ज़रा भी अलग नहीं है। तो उसको ज़रूर करके देख लीजिएगा। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से समझिएगा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। एक जॉन है और दूसरी जीवंती है और दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया हमें। इसके बाद आगे लिखा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों के 5-5 मार्बल खो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो मार्बल्स हैं 5-5 खोने के बाद, उसका प्रोडक्ट कितना होगा, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू द स्टार्ट विद। शुरू में बताओ दोनों के पास कितने कितने मार्बल थे। अब देखो दोनों के मार्बल का सम 45 दे रखा है, तो ऐसा मानो कि एक के पास मार्बल x थे और दूसरे के पास थे 45 माइनस x। जब भी हमें सम दिया रहता है ना, तो एक को x मानते हैं, दूसरे को 45 माइनस x मानते हैं, जब हमें सम दिया होता है। और जब भी हमें कभी डिफरेंस दिया होता है, तो मान लो डिफरेंस 45 दिया होता तो एक को हम x मानते और दूसरे को हम क्या मानते, 45 प्लस x। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सम दिया हो तो ऐसे, डिफरेंस दिया हुआ हो तो ऐसे करेंगे, ठीक है। इनकी जगह नंबर्स भी होते हैं, हमने ऐसा सवाल किया भी था कि दो नंबर का सम 45 है तो उसमें से एक x लेंगे और दूसरा होगा 45 माइनस x। तो फिलहाल मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि जॉन के पास शुरू में x मार्बल थे और जीवंती के पास 45 माइनस x थे। तो स्टेटमेंट लिख दिया गया है कि जॉन के पास x मार्बल थे और जीवंती के पास y थे। ये y वाला गलत लिख दिया, 45 माइनस x थे, तो इसको सुधार देता हूँ, 45 माइनस x। मैं इसको चैप्टर 3 की तरह से करने लगा था गलती से। तो जॉन के पास x मार्बल हैं और जीवंती के पास 45 माइनस x है। अब क्या हुआ कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों के 5-5 मार्बल खो गए। तो लिखते हैं, तो हमने लिखा कि आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, जॉन के पास कितने मार्बल रह जाएंगे। देखो पहले x थे तो 5 खो गए, तो 5 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, मिल जाते तो प्लस हो जाते। इसी तरह से नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती के पास कितने मार्बल रह जाएंगे। पहले जीवंती के पास थे 45 माइनस x, अब इसमें से 5 और कम हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 45 में से 5 माइनस होके कितना रह जाएगा, 40 माइनस x। तो अब जॉन के पास इतने रह गए और जीवंती के पास इतने रह गए। अब इनके पास जो मार्बल्स रह गए हैं उसका प्रोडक्ट,
द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। पांच पांच मार्बल खोने के बाद उनके पास जितने भी मार्बल रह गए हैं उसका प्रोडक्ट आएगा 124। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका प्रोडक्ट x माइनस 5 का और किसका 40 माइनस एक्स का, इसका प्रोडक्ट आएगा 124। अब इसके आगे इसको आप खुद भी निपटा सकते हैं, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, बाद में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगी। x की दो वैल्यू आएंगी, हो सकता है कि एक पॉसिबल हो और दूसरी पॉसिबल ना हो, तो जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी उन दोनों को यहाँ पे रख दीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि जॉन के पास कितने मार्बल थे शुरुआत में और जीवंती के पास कितने मार्बल थे। तो एक बार सवाल को फिर से पढ़ते हैं। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स थे। हमने माना कि जॉन के पास एक्स होंगे तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस एक्स। दोनों के पांच पांच मार्बल खो गए तो उसके रह गए एक्स माइनस 5 और इसके रह गए 45 माइनस एक्स माइनस 5। सॉल्व करके ये आ गया। इसके बाद अब जो बचे हुए मार्बल्स हैं उसका प्रोडक्ट 124 है और इसके बाद करेंगे आप इस सवाल को खुद ही, ठीक है। कैलकुलेशन वैसे एग्जांपल में दी हुई है, अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो एग्जांपल में से चेक कर लीजिएगा या फिर मुझे लिखिएगा कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पर। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं। तो जो अपने सामने आप देख रहे हैं ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, फिलहाल ये लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट निकालो। तो जब भी हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने होते हैं तो सबसे पहले हम उसको इक्वल टू जीरो के पुट कर देते हैं, इसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाकर उसको सॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि जब हम 3 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 6 के हम ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते कि 2√6 आ जाए। तो इसके लिए हमें कुछ और मेथड के बारे में भी सोच लेना चाहिए। क्या यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जैसे कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या ऐसा फार्मूला यहाँ पर बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बीच में माइनस भी है। थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है कि फार्मूला बन रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं लग रहा। तो पूरी तरह से कैसे लगेगा ध्यान से देखिएगा। ये जो 3x स्क्वायर आप देख रहे हैं इसे हम लिख सकते हैं √3x का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। बीच वाली टर्म को अभी ऐसे ही रहने दो, 2 को लिखा जा सकता है √2 का स्क्वायर। अब ये a हो गया और ये b हो गया, ये b है और ये a है। a और b क्लियर होने के बाद बीच में जो होता है ना 2ab उसको हम लिख सकते हैं इजीली 2 और a की जगह आएगा √3x और b की जगह आएगा √2, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या ये आ रहा है बीच वाली टर्म, तो 2 तो आ ही रहा है, √3 की √2 में करोगे तो √6 आएगा और साथ में x आएगा, तो आ रही है इसका मतलब बीच वाली टर्म। तो इस तरह से हमने इसको एक फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a है और ये b है, तो हमने इसको लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसे दो बार लिख देंगे √3x माइनस √2 और इंटू √3x माइनस √2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद एक एक करके जब हम इनको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, √3x माइनस √2 इक्वल टू ज़ीरो, तो √2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू √2, फिर √3 डिवाइड में चला जाएगा तो √2 अपॉन √3 ये वैल्यू x की यहाँ से मिल जाएगी। इसी तरह से जब दूसरे वाले को भी रखेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है उसको रखने की क्योंकि उससे भी हमें सेम ही आंसर मिलेगा। तो जो दो रूट हमें मिले दोनों एक दूसरे के जैसे मिले, बिल्कुल सेम मिले। तो कई बार इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, हमें समझ में नहीं आता कि हम इस टर्म को कैसे स्प्लिट करें, तो फिर हमें दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोचना होता है। वैसे हम अगली एक्सरसाइज में इस तरह की इक्वेशंस को, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे मेथड सीखने वाले हैं। तो जब हम उन मेथड को सीख जाएंगे तो फिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी नहीं होगी जिसको हम सॉल्व ना कर सकें। तो ये सब सीखने के लिए इंतज़ार करिए अगले लेक्चर का। फ़िलहाल आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि चीज़ें सारी समझ में आपको आ गई होंगी। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा।
और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।